हाय दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जो हमारी एग्जिट एग्जाम की सीरीज चल रही है उसमें आगे के क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं जो दोस्तों फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी सब्जेक्ट से रिलेट रखते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर ब्लैंक दे रखा है, प्रिवेंट्स द रिकरेंस और रिड्यूसेज द सेवेरिटी ऑफ बाइपोलर डिप्रेशन बट इट्स प्रोफाइलैक्टिक इफेक्ट डेवलप्स विद इन सेवरल मंथ्स। तो लिथियम, सोडियम, कैल्शियम और बेरिलियम। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाता है लिथियम प्रिवेंट्स द रिकरेंस और रिड्यूस द सिवेरिटी ऑफ बाइपोलर डिप्रेशन बट इट्स प्रोफाइलैक्टिक इफेक्ट डेवलप्स विद इन सेवरल मंथ्स। दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है लिथियम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, लिथियम इज अवॉइडेड इन द ब्लैंक दे रखा है सिंस इट इंड्यूस कॉन्जिनिशियल डिफेक्ट्स। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर, सेकेंड और फोर्थ ट्राइमेस्टर। दोस्तों, लिथियम इज अवॉइडेड इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर सिंस इट इंड्यूसेज कॉन्जिनिटल डिफेक्ट्स। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, द टर्म ब्लैंक दे रखा है इज यूज्ड फॉर अ ड्रग दैट चेंजेस सेंसरी परसेप्शन। तो एनेस्थीसिया, एनालेप्टिक, एंटी कॉन्वल्सेंट, हेल्यूसिनोजन। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हेल्यूसिनोजन जो टर्म है जिसका यूज दोस्तों फॉर अ ड्रग दैट चेंजेस सेंसरी परसेप्शन के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेसालिन इज आइसोलेटेड फ्रॉम। दोस्तों, मेसालिन को किससे आइसोलेटेड किया जाता है, लोपोफोरा बिलियमसी, एमेनिटा मस्केरिया और सिलोसाइवे मैक्सिकाना और बेनी स्टीरियोसिस कापी। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी लोपोफोरा बिलियमसी से दोस्तों इसे आइसोलेटेड किया जाता है मेसालिन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, तो देयर इज अ ह्यूज डिग्री ऑफ ब्लैंक दे रखा है बिटवीन द हेल्यूसिनोजन्स टू अदर एलएसडी लाइक हेल्यूसिनोजन्स आर नॉट यूज ड्यूरिंग द ड्रग फ्री पीरियड, टोलरेंस को डिपेंडेंस और डिपेंडेंस और क्रॉस टोलरेंस। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रॉस टोलरेंस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, अकॉर्डिंग टू द WHO अ कंडीशन हैविंग अ टेंडेंसी फॉर रिकरेंट सीजर्स ड्यू टू डिसऑर्डर ऑफ ब्रेन सेल्स इज टर्म्ड सिजोफ्रेनिया, पार्किंसनिज्म, एपिलेसी और हेल्यूसिनेशंस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एपिलेसी, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, लेमोट्रिगिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ इम्यूनो स्टिमुलेंट्स और फेनिलट्राइजीन, पीवीसी, सक्सिनामाइड्स और बेंजोडाइजेपाइन्स। दोस्तों, लिमिटोग्रीन किसका एक एग्जांपल है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फेनिलट्राइजीन का, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, इसमें पूछा गया है फेनिटोइन ब्लैंक दे रखा है द ऑपरेटिंग ऑफ Na++ आयन चैनल्स ऑफ न्यूरॉन्स फायरिंग रिपीटेडली। तो रिड्यूसेज, इनहेंसेज, मेंटेन्स और प्रिवेंट्स। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी रिड्यूसेज इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, इसमें पूछा गया है इन फोकल कोर्टिकल एपिलेशी ब्लैंक दे रखा है इज यूज टू कंट्रोल द सीजर एक्टिविटी। तो सोडियम वेलपोरेट, फिनोबारबिटोन और फेनिटोइन और कार्बामाजीन। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी फेनिटोइन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। दोस्तों, ब्लैंक दे रखा है वॉज द फर्स्ट इफेक्टिव एंटी एपिलेप्टिक एंड वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1912। तो फिनोबारबिटोन, क्लोनाजीपाम, गाबापेंटिन और कार्बामाजीन। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फिनोबारबिटोन वॉज द फर्स्ट इफेक्टिव एंटी एपिलेप्टिक एंड वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1912। ऑप्शन नंबर ए फिनोबारबिटोन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। तो फार्माकोलॉजी के इसी के साथ हमारे टॉप 10 एमसीक्यू कंप्लीट हो चुके हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।